News 18, India. और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में कमलनाथ खेमे के नेताओं की भी नाराजगी अब सामने आने लगी है। कमलनाथ के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने खुलकर कहा है कि जिस तरह कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया और सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, उससे कमलनाथ के समर्थकों को ठेस पहुंची है। तो दीपक सक्सेना ने यह बड़ा दावा किया है कि कमलनाथ की उपेक्षा हो रही है, उनका अपमान पार्टी के अंदर किया जा रहा है, कमलनाथ अपमानित महसूस कर रहे हैं दीपक सक्सेना, जो कि कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, और इसलिए भी जो अटकलें हैं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की वो तेज होती हुई यहां से नजर आ रही है। अब खुलकर नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो। तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं की, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद उपेक्षित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। तो देखिए, खुलकर अब नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना अब ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर कमलनाथ का अपमान किया जा रहा है और कमलनाथ अपमानित महसूस कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो अटकलें हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं कि कमलनाथ अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे क्या, और दिल्ली में भी वो मौजूद है इस वक्त, इसलिए भी इन अटकलों को और हवा मिल रही है। लेकिन खुलकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है कि पार्टी नेतृत्व से अगर वो को समर्थन वो देते हैं, अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी के अंदर सही तरीके से काम हो रहा है, तो पार्टी में उन तमाम नेताओं का स्वागत है जो यहां साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन कमलनाथ को अपना राजनीतिक भविष्य क्या अब कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं दे रहा? क्या उन्हें लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं मिलेगा, और साथ ही उनके बेटे का भी राजनीतिक भविष्य उनको तलाशना है? देखिए, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अमित सिंह है, मनोज शर्मा और प्रियंका कांडपाल यहां। लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रियंका के पास लिए चलते हैं, क्योंकि कमलनाथ दिल्ली में मौजूद है और प्रियंका भी उनके आवास के बाहर ही मौजूद है दिल्ली में। प्रियंका, वहां क्या किसी तरीके की हलचल मिल रही है या फिर कोई जानकारी, नई जानकारी से जुड़ी हुई कोई सामने आ पा रही है क्या? देखिए, आवास पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, और कारण ये भी हो सकता है कि रविवार का दिन है और जिस तरीके से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के टॉप लीडर से मिलने की कोशिश कमलनाथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फैक्टर है कि आज जो अधिवेशन है बीजेपी का वो लगातार चल रहा है और शाम के बाद शायद ऐसा कोई समय मिले जहाँ पर टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात हो पाए, तो फिलहाल यहाँ पर किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है। हालांकि जो उनकी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर चाक चौबंद तरीके से खड़ी है, बाहर वो अभी सुबह से नहीं निकले हैं, और ऐसे में अगर वो यहाँ जाते, यहाँ से निकलते हैं, किसी से मूवमेंट होती है, किसी से मुलाकात होती है, तो उसके बाद आगे का कोर्स जो है वो पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उनके सहयोगी इस बात को कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वही बात बेस लग रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उपेक्षा की उनकी और उनको ये लगने लगा है कि कांग्रेस में अब उनके लिए स्थान मध्य प्रदेश में नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो दिल्ली कल से आए हुए हैं, आज भी यहां पर मौजूद है। तो फिलहाल यही अटकलें लगाई जा रही है कि जब बीजेपी का अधिवेशन खत्म होगा, टॉप लीडर्स के पास जैसे ही समय होगा, तो समय जरूर मांगने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तय किया जाएगा। जी ठीक है, प्रियंका बने रहिए भोपाल से, इस वक्त मनोज भी हमारे साथ है। मनोज, अब तो करीबियों के बयान आने भी शुरू हो गए हैं, अब क्या माना जाए, ये बड़ा संकेत क्या हो सकता है कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने का? एक सवाल ये भी है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आपके पास जानकारी है कमलनाथ के क्या और भी करीबी ऐसे कोई रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे उनके साथ? अभी तक जो कमलनाथ की जो भी मध्य प्रदेश में मूवमेंट होते थे, तो उनके सबसे करीबी जो दीपक सक्सेना, जिसका बयान न्यूज 18 इंडिया भी हम लोग लगातार अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, जो उनके बयान पे अगर उनके बयान पर यकीन करें तो सीधे तौर पर दीपक सक्सेना कह रहे हैं कि तीन बातें हैं वो उन्होंने कही हैं कि कमलनाथ नाराज हैं, उन्हें इस बात का दुख है कि उनकी पार्टी में लगातार उपेक्षा हो रही है और वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, और वो अपमानित महसूस इस स्तर पर कर रहे हैं कि बीच में सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा से वंचित होना पड़ा। तो बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या राज्यसभा की सीट इस पूरे झगड़े की, फसाद की
जड़ है, क्या वो राज्यसभा की सीट की वजह से ना मिलने की वजह से कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो साफ कर चुके हैं कि जो अभी अशोक सिंह हैं जिनको राज्यसभा में पार्टी की तरफ से जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, अशोक सिंह का नाम भी कमलनाथ की सहमति से ही तय हुआ है। लेकिन कमलनाथ खुद नहीं है, उनकी सहमति से किसी कैंडिडेट का नाम तय होना और कमलनाथ का खुद होना, इन दो बातों में बहुत फर्क है। और पिछले चुनाव में हम इस बात को भी ना भूलें कि राजनीतिक तौर पर 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में जो मार्जिन था, जिस तरह से हालांकि कमलनाथ 9 बार से लगातार सांसद हैं छिंदवाड़ा से, 1980 से उनका दबदबा है, सिर्फ एक बार वो चुनाव हारे थे, तो जो अहमियत इस बात की है कि जो मार्जिन कम हुआ है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ के मन में भी इस बात का डर है कि अगर इस बार फिर बीजेपी की आंधी चली। हमारे साथ अमित पांडे हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं दिल्ली से जुड़े, हमारे साथ उनका रुख कर लेते हैं। अमित, यहाँ पर हमें ये भी देखना है और जरा दर्शकों को बताइए कि आखिर अगर कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ देते हैं जिस तरह की अटकलें हैं, कांग्रेस को किस तरीके के आत्मचिंतन की यहाँ पर जरूरत है? लगातार उनके जितने दिग्गज हैं वो पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, आत्मचिंतन तो क्या पूरा अगर हम रिवैम्प कहें या तो हम कहें पुनर्समीक्षा, वो ज़्यादा सही शब्द होगा। एक ऐसा शख्स जो कद्दावर नेता 40 साल से ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री रहा है और 2 महीने पहले उसी के नेतृत्व में पार्टी जो चुनाव लड़ी है और पार्टी को हालांकि हार का सामना करना पड़ रहा, अब वही नेता जिस पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहा था वही नेता उसी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा होगा। अब जहां तक कमलनाथ के जो ये स्ट्रैटेजी का सवाल है, उनकी रणनीति का सवाल है, तो कमलनाथ सिर्फ और सिर्फ मामला राज्यसभा की सीट तक यहाँ पर सीमित नहीं है। वो भली भांति जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। नकुल नाथ उनके बेटे छिंदवाड़ा से सांसद है, उनका क्या भविष्य है, इसके अलावा आने वाले दिनों में उनकी बातें कैसे सुनी जाएगी, तो इन सारी बातों को लेकर ये रणनीति अपनाई जा रही है। और एक और चीज बहुत अहम थी, कल हमारी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से, मध्य प्रदेश के बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की। हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया इस खबर से जुड़ी हुई एक एक जानकारी दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएगा। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बीजेपी अधिवेशन का दूसरा दिन आज, प्रधानमंत्री मोदी पार्टी पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। अब की बार 400 पार का देंगे मंत्र, गृहमंत्री अमित शाह आज लाएंगे राजनीतिक प्रस्ताव। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा ने गिनाई 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियां, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जय श्री राम के जयकारों के साथ पीएम मोदी का किया गया अभिनंदन, लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को दिया 400 पार का नारा। तो हम 370 पार होंगे और 400 पार होंगे, एनडीए को इस तरीके से मिलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, दिल्ली में न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर बोले, समय पर जानकारी दूंगा। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं, मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं?